देखिए सर, आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर आल डिपार्टमेंट्स की जो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट के जो प्रेसिडेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट हमने यहाँ पे बुलाए हैं एसओपीज़ का ख्याल रखते हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि 20-25 साल से जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और शीघ्र ही दो दिन पहले हमारे साथी ने, एक जो सोन लाल जी पीडीडी में, उन्होंने जंप करके अपनी जान दे दी, और दूसरा हमारा साथी जो उधमपुर का जो मैकेनिकल उधमपुर में थे, उनने भी फंदा लगा के जान दी। ये देखते हुए जम्मू कश्मीर के लेबर के साथ जो ज़्यादती हो रही है, अब जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट ने आज ये फैसला किया है आज की मीटिंग में कि अब इस लड़ाई को है, इस आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ये हमें डिसीजन लिया है कि 23 दिसंबर को पूरे जम्मू प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से कश्मीर की तरफ मार्च होगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि 1 अक्टूबर तक कश्मीर पहुंचने की, और 2 अक्टूबर को जो कि महात्मा गांधी की जयंती है, हज़ारों की तादाद में हम वहां से राजभवन की तरफ घेराव को निकलेंगे, क्योंकि सरकार ने हमें ये मजबूर कर दिया कदम उठाने के लिए। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से ज़रिए जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स से ये अपील है कि वो इस जो चलो का प्रोग्राम है इसको कामयाब करें, और 23 तारीख को आप देखोगे कि जम्मू के तमाम डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से, ब्लॉक से लोग जोग तजोर पैदल कश्मीर की तरफ मार्च करेंगे, और जम्मू से हम यहाँ लीडरशिप जो है यहाँ से मार्च करके बटोर तक पहुँचेंगे, बटोर से खिता चराव वाले लोग आएंगे, और रामबन के लोग जुड़ के, और इकट्ठा ये जो समूह है ये कश्मीर को जाएगा, और कश्मीर में अनंतनाग में जो डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस के साथ जो अपना क्या कहते हैं कि स्टेडियम है, वहाँ पे जो है इस प्रोटेस्ट को इकट्ठा किया जाएगा, और सुबह वहाँ से 2 तारीख को जो है वह मार्च किया जाएगा गवर्नमेंट हाउस की तरफ से।